मेरे गांव का गार्डन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि प्योर ऑर्गेनिक फूड है, जहाँ पे हम खेती करते हैं स्पेशली। एंड इसका जो महत्व है, बहुत ही खासियत है हम लोगों के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक चीज़ में कुछ रासायनिक पदार्थ हम यूज़ नहीं करते, नेचुरल पदार्थ यूज करते हैं। जैसे काउडंग हो गया, गोबर उसी को यूज होता है, और जैविक सार यूज होता है, और अर्थवर्म का एग्रीकल्चर सेरीकल्चर भी होता है, जिसके बदौलत मीन्स हमारा गांव का वेजिटेबल बहुत स्पेशल है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे गांव के गार्डन का। ये देखिए, ये जो फील्ड है, यहाँ पे अभी प्लाउइंग किया गया है, खेती होने वाला है, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। शायद आप लोगों को ये चीज़ मेरा सेकेंड सेशन में देखने के लिए मिलेगा। आइए मेरे साथ, ये देखिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। कितना ग्रीनरी है हर तरफ, यहाँ के वादियों में, यहाँ की हवा में कितना खूबसूरत महकार है। और ये देखिए, सूरज का किरण जो कि डायरेक्टली आ रहा है इधर, कितना अमेजिंग लग रहा है मुझे, एंड आई एम सो ग्लैड। ये जो है, ये बेसिकली हमारा भिंडी और बैंगन का बगीचा है। आइए मैं दिखाता हूँ जूम से कि कैसे भिंडी बैंगन है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही मीन्स मिट्टी है। ये देखिए कितना बड़ा भिंडी। यहाँ पे देखो बहुत सारे बैंगन भिंडी हुआ है, वहाँ पे देखो बैंगन भिंडी हुआ है बहुत सारे। ये देखो पूरा बाग जो है भिंडी बैंगन से एकदम से पूरा हरा भरा है। वहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे केले का पेड़ है, जहाँ से हम लोग नेचुरल केले हम लोगों को स्पेशली मिलता है। ये देखिए कितना बड़ा भिंडी। ये देखो मैं पूरा जंगल के अंदर जा रहा हूँ, और कितना हमारा जो गार्डन है स्पेशली कितना अमेजिंग है, और यहाँ पे इतना ताज़ा ताज़ा हवा बह रहा है, और इतने सारे प्लांट हैं, विच इज़ सो मच रेयर, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन बॉम्बे। आई नेवर एवर सीन दिस मच ब्यूटिफुल सीनरी इन माई लाइफ इन बॉम्बे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम टू माई विलेज एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट सो नाइसली। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा तालाब बना गया है, देखिए बगुला वहाँ पे बैठा है, मतलब वहाँ पे हमारा फिश का कल्टीवेशन होता है। हम लोग ओरिया हैं, और आप लोग जानते हो कि उड़ीसा बंगाल के साइड में ज़्यादातर मछली खाते हैं, एंड फिश इज़ फॉर अस इज़ अ लक्की चैम। ये तो है कि हमारा गार्डन में, हर किसी के गार्डन में एक तालाब रहता है जिसमें हम लोग मछलियाँ पालते हैं। चलिए मेरे साथ, ये देखिए कद्दू का कितना बड़ा है, और वहाँ पे देखिए आम का कितना अच्छा बगीचा है, और ये देखिए हमारा वेजिटेबल्स। ये देखिए इसमें फ्रूट्स आना बाकी है अभी, क्योंकि अभी अभी हम लोग मेहनत करके इसको लगाए हैं, उसमें फल तो आना थोड़े टाइम के लिए बाकी है। तो अभी के लिए आप लोग देख लीजिए कि कैसे ये कल्टीवेशन होता है। ये किस्म का साग है जिसमें ऑलरेडी फ्लावर आ गया है, इट्स रेडी फॉर मेकिंग द सीड। इसको सीड को फिर से डाल के यहाँ पे फिर से हम कल्टीवेशन करेंगे, तो इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके पत्ते का सब्जी भी होता है, भाजी भी होता है। तो ये देखिए, और दिस इज आवर मैंगो ट्री। रसीले रसीले आम। ये देखिए, उप्स,
ये देखो ये देखो नजदीक में कितने कितने सारे आम, बड़े बड़े आम। ओ माय गॉड,